किसान करे बिजली पानी दो सरकार, बिजली पानी दो सरकार, किसान करे बिजली पानी दो सरकार। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत धनबाद की लचर विद्युत व्यवस्था के खिलाफ भाजपाइयों ने विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में JBVNL के महाप्रबंधक का कार्यालय घेरा। इससे पूर्व गोल्फ ग्राउंड से राज सिन्हा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर बिजली पानी दो सरकार के नारे लगाते महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचे, जहां जुलूस धरना में तब्दील हो गई। वहीं इस जुलूस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली जेम हाई हाई के नारे भी लगाए। महिला पुरुष व बच्चे भी शामिल हुए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस जवानों की भी तैनाती रही। स्वयं धनबाद थाना के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। धरना पर बैठे विधायक राज सिन्हा एवं तमाम कार्यकर्ताओं से विद्युत महाप्रबंधक ने वार्ता की, विद्युत आपूर्ति को लेकर आ रही समस्याओं से भी अवगत कराया। साथ ही भरोसा दिया कि विभाग निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी किए और जीएम कार्यालय का घेराव भी किए, और जीएम फिर आकर के जीएम और सुपरिटेंडेंट दोनों हम लोग से वार्ता किए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक दो घंटा हमको कटौती मिलता है। हम लोग ने कहा कि ठीक है, कटौती के बाद कितना बिजली दीजिएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है, गारंटी किया है कि हम 24 घंटे में 20 से 21 घंटा बिजली देंगे, और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में कटौती होगा उसका हम अखबार के माध्यम से सूचित कर देंगे कि इस टाइम पर इस क्षेत्र में कटौती होगा। दूसरा एक कंप्लेंट था कनेक्शन का, कि कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद भी लोग पैसा मांगते हैं, कनेक्शन नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी का भी अगर ऐसा शिकायत है और वैध कागजात के बाद भी एक महीने का कनेक्शन नहीं मिलता है तो आप सीधे सीधे जीएम को सूचित करें, एक अप्लीकेशन दें, या मुझे भी अगर दीजिए तो मैं जीएम से वार्ता करके उन पर कार्रवाई करवाऊंगा और कनेक्शन दिलवाऊंगा। इसके अलावा एक शिकायत था कि जो नया मीटर लग रहा है, अगर पुराने मीटर में किसी को 200 बिल आता है तो नए मीटर लगाने पर सीधे 400 या 600 पहुँच जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी मुझे शिकायत करेगा कंज्यूमर नंबर के साथ, मैं उस मीटर की जांच करवा दूंगा और उसके साथ न्याय होगा। इसके अलावा भूली में भी जो लगा था वहाँ बहुत लोग कनेक्शन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनको कनेक्शन का नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा नियम के अनुसार हम उनको कनेक्शन दे देंगे, या इन्होंने कहा। इसके अलावा BPL के भी कनेक्शन का और उनके बिजली बिल का, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, जो भी मेरे पास कंप्लेन है मैं उसका निष्पादन तुरंत करूंगा। हम लोगों ने वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि हम क्या करें ऊपर से। मैंने कहा कि DVC से हमको मतलब नहीं है, यहाँ की जनता पैसा आपको देती है, पूरा बिल आप लेते हैं, या अगर एक महीना का भी बकाया होता है तो बिजली काट देते हैं। इसलिए जनता सीधे सीधे आपके प्रति जिम्मेवार है, और अगर आप अपने कार्रवाई को नहीं पूरा कर सकते हैं, आप अगर यहाँ के दायित्व को उठाने में सक्षम नहीं है, तो आप सरकार को लिखिए कि भाई हमको यहाँ सटा दीजिए। आप यहाँ क्यों बैठ करके फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने आश्वस्त किया है कि कम से कम 20 से 21 घंटा हम बिजली आपूर्ति करेंगे, इसलिए 24 घंटे का हमको समय दिया जाए। हम लोगों ने इनको समय दिया है और इनके वादे, इनके जो इन्होंने वादा किया है तो हम लोगों ने विश्वास किया है, और हमने यह भी कह दिया है कि बावजूद इसके अगर बिजली नहीं सुधरी तो फिर कुछ समय बाद हम लोग आएंगे और आपके इस कार्यालय को ताला बंद कर देंगे। फिर मुझे लगता है कि इस कार्यालय का कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए कार्यालय बंद होना चाहिए।